अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे BTC वर्सेस BED सुप्रीम कोर्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 जनवरी 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले अपडेट आपके सामने रखा था कि सोमवार को लास्ट फाइनल सबमिशन होगा, ठीक है, जो रिटर्न सबमिशन है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब जल्द ही इसका फैसला आने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों ऐसे कोर्ट में मामला चल रहा था, काफी लंबे समय तक मामला भी चला था, बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची थी। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है ना कि हमारा ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया, मतलब अब सिर्फ केस का फैसला सुनाया जाएगा, मतलब BTC जीतेगा, BED जीतेगा, ये बात अब क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें, देख सकते हैं आप लोग, नए और पुराने आयोग के फेर में उलझी शिक्षक भर्ती। अभ्यर्थियों को भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। बाकी देखिए, यूपी में एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ सकती है, ठीक है, सभी बच्चे इसको लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तकरीबन इसमें पद हो सकता है 51,112, ठीक है। अगर BED के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाता है, ठीक है, तब BED छात्रों को एक बड़ा झटका लगेगा। देखिए अभी BEO की वैकेंसी के बारे में आपने सुना होगा, मुश्किल से 60-70 पद की बात हो रही है वहां पर। सोचिए, अब बताइए, लाखों बच्चे बेरोजगार हैं BED में और 60-70 पदों पर वैकेंसी आएगी, क्या कोई वैकेंसी बनती है? हाँ, यहाँ पर BTC छात्रों को मौका नहीं मिलता है, एक बात याद रखिए। अब BTC के छात्र भी भाई सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि BED के छात्र यहाँ पर अपनी योग्यता साबित करें, ठीक है। तो जो जो अपडेट से हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सोशल मीडिया पर इस समय बिल्कुल घमासान छिड़ चुका है BED वर्सेस BTC में, किसकी जीत होगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए BED BTC के छात्रों का देखिए कोई यहाँ नुकसान तो होने वाला नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन BED के छात्रों के पास एक बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर PRT से उनको बाहर कर दिया गया। बाकी दोस्तों जैसे कि हमने बोला, BEO या कोई और वैकेंसी आती वहां पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पद होते हैं, बहुत ही गिनती के गिने चुने पद होते हैं। अब दोस्तों जब बड़ी वैकेंसी 51,112 जैसे बड़े बड़े वैकेंसी आएंगी और सैलरी आपको बता दें लगभग 50,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी। अब आप लोग सहायक अध्यापक बनेंगे तो 50,000 रुपये पहले महीने से सैलरी उठाएंगे। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं, अगर आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा तो कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। सुनवाई समाप्त, ऑर्डर रिजर्व है। एक और अपडेट जरा देख लीजिए, नकल का लगा आरोप तो कॉपी होगी क्रॉस चेक, ये भी एक बड़ी अपडेट है। PCS मेंस में वैकल्पिक विषय हटाने को छेड़ी गई मुहिम, पूरी अपडेट को देखेंगे। BED अगर बाहर होता है तो DLED छात्रों को कैसे होगा फायदा, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखते हैं। BED छात्रों को लग सकता है बड़ा झटका। देखिए दोस्तों, अभी तक मामला जो कोर्ट में चल रहा है, किसी की जीत ऐसे डिसाइड नहीं होती है। अगर आप BTC वकील से पूछेंगे वो बोलेंगे भैया हम जीत रहे हैं, BED वाले से पूछेंगे वो कहेंगे हम जीत रहे हैं। कोई कभी ये कहता है कि हम हार रहे हैं, ये बताइए। अगर आप लोग कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे तो सब वहाँ पर बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं, कोई कभी ये नहीं बोलेगा कि हम हार रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें होती है तो सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। फिलहाल अंतिम फैसला यहाँ पर जज साहब का होगा। देखिए NCT को भी जवाब देना यहाँ पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब BTC छात्रों की संख्या पर्याप्त है फिर वहीं पर बात आ जाती है कि BED छात्रों की जरूरत क्या है। अगर BED के छात्र एलिजिबल हैं तो फिर ब्रिज कोर्स की जरूरत क्या है। देखिए मामला ब्रिज कोर्स पर फंस रहा है, अगर NCT ने कोई ब्रिज कोर्स का नाम ना लिया होता है, डायरेक्टली मतलब सीधे मौका दे देते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब बिल्कुल आसान था। लेकिन जो ये ब्रिज कोर्स की बात आती है वहां से दिक्कतें आती हैं सामने, ठीक है। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, एक बड़ी वैकेंसी है, सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं, अभी तक इन बच्चों का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। एक साल से ज्यादा होगा ज्वाइनिंग के, एक साल से ज्यादा समय से टीचर लोग अपनी सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन कोई ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। अगर ब्रिज कोर्स इतना ही जरूरी था तो इसको करा लिया जाता, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब खाली नाम का है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस अपडेट को जरा देखिए। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षा 11 जनवरी से शुरू है। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है। परीक्षा के दौरान जिन कॉलेजों में नकल के आरोप सामने आएंगे उन केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विशेष रूप से कराया जाएगा। मूल्यांकन के बाद आरोप लगने वाले कॉलेजों की कॉपियां क्रॉस चेक होगी, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में विश्वविद्यालय परिसर एडेड व राजकीय कॉलेज के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। तो भैया इस अपडेट को जरा देखे रहिए, अगर आपके कॉलेज पर आरोप लग गया कि नकल हुई है तो कॉपी डबल चेक हो जाएगी, और आपको पता है जब डबल चेक होती है तो एक छोटी छोटी गलतियाँ भी उसको वहाँ पर नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखिए कि आपका कॉलेज अच्छा खासा हो, नकल का आरोप न लगने पाए। लग गया तो फिर वही होगा, जो बच्चे एवरेज वाले रहते हैं वो तो फेल होंगे ही, टॉपर बच्चे के नंबर एवरेज हो जाएंगे। होता है क्या ना, फिर एक एक लाइन पढ़कर भैया कॉपी चेक होगी। अब कोई बच्चा कितना भी अच्छा हो, अगर आप इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ऐसे लिख दिए, तो क्या दो चार स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकते? हो सकता है बाय मिस्टेक हो गई हो। अब जहाँ दो तीन जगह लाल वाले ऐसे पेन चले, यहाँ पर रेड हो गए, यहाँ रेड, यहाँ रेड, बस दो नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर मिलेगा, ये क्या फिर आधा ही हो जाएगा? कहीं कितनी गलतियाँ कर रहा है बच्चा। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे निबंध अप्लीकेशन ये सब आपने लिख दिया, दूर से देखें हाँ दो नंबर दे दिए, ठीक है, ये सब बातें होती हैं। तो जब भी कॉपी क्रॉस चेक होती है तो फिर बहुत अच्छे से देखा जाता है और आपके नंबर मिलने के चांस पहले से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगली अपडेट में जरा बात करते हैं सूबे की सबसे प्रतिष्ठित सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने के लिए। प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार से ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह उत्कर्ष द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। छात्रों का तर्क है कि हिंदी भाषी ठीक है क्षेत्रों के प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय करने, स्केलिंग से मुक्ति देने और सभी विषयों के साथ न्याय करने के लिए वैकल्पिक विषय को हटाना जरूरी है। अभियान में मनोज पांडे, सतीश डॉली, कंचन आदि शामिल रहे, कई राज्यों में नहीं है। छात्रों का दावा है कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय होने के कारण इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों को इतने अधिक अंक मिल जाते हैं जितना मानविकी वर्ग के छात्रों के लिए संभव नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को हटाते हुए उसे क्वालिफाइंग और बहुविकल्पीय कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में पहले से यह व्यवस्था नहीं है। तो जो भी अपडेट आती है, अपडेट पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रोक्टर पीजीटी 2022 में पद बढ़वाने को अंतर पर डटे हैं छात्र। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीएड के छात्रों को मौका मिलता है, ठीक है। यहाँ पर डीएलएड के बच्चे इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। प्रयागराज से क्या अपडेट है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अंतर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर शुक्रवार को 10वें दिन जारी रहा। छात्रों ने अध्यक्ष वीरेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रिक्त पत्र मतलब रक्त पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रक्त पत्र, इसको जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब बातें हो गई। अब देखिए, हर जगह वैकेंसी को लेकर बच्चे परेशान है। एक बात और समझ लीजिए, अभी यहाँ पर यूपी में जो हमारे यूपी टेट का पेपर होता है ना, इसको लेकर भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसका रीजन क्या है, एक नए आयोग का गठन किया जा रहा है, ठीक है। अगर नए आयोग के गठन में लेट होता है तो फिर वही होगा कि पीएनपी हमारा पेपर करवा लेगी। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी, अपडेट हम आप तक पहुंचा दे रहेंगे। बस यही है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिएगा, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें पेपर की, बाकी जो भी अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा हुआ है, अब जल्दी इसका फैसला आएगा, एक महीने के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मतलब ये मान के चलिए वैलेंटाइन डे से पहले। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में से पहले ही इसका फैसला आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे ही कुछ अपडेट आती लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक, उसको चेक करते रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो। और आज खिचड़ी का दिन है भैया, ठीक है, पतंग वतंग आप उड़ा रहे होंगे, ध्यान से उड़ाइएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं।